हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसा, सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। तो भाई आज है हैप्पी मकर संक्रांति, तो सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और मेरा ब्लॉग हो रहा है काफी दिन बाद में स्टार्ट, तो आज हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज पतंग वगैरह उड़ाने वाले हैं, तो अभी फिलहाल उठे नहीं ढंग से भी, अभी तो 8:30 के करीब टाइम हो चुका है। तो अभी उठते हैं, फिर आपको दिखाने वाले आज का क्या प्रोग्राम रह रहा है और कैसे कैसे पतंग उड़ाने वाले हैं, तो आपको पूरा का पूरा दिखाने वाले हैं, पूरा का पूरा दिन। तो बने रहे ब्लॉग के एंड तक, तो मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस, हम आज रेडी हो चुके हैं जाने के लिए बाहर, और खतरनाक वाली आज पतंगबाजी होगी। तो अभी सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं। अभी पहले हमें ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारे दिन टाइम मिलने को नहीं है। तो अभी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुके हैं और अभी निकलते हैं पतंग उड़ाने के लिए। पहले दोस्तों के घर चलते हैं, आसपास बैठ गया। सो फाइनली गाइस अभी छत पे आ चुके हैं और पतंगे वगैरह तो उड़ रही है अपने साथ में, तो अभी दिखाते पतंगे वगैरह। गाइस ये है दिलराज, अरे सॉरी अनिल। सो फाइनली गाइस अपन उड़ा देंगे पतंग, लंबी देते हैं बड़ी पतंग। और दो चरखिया जा चुकी है घर पे, जहाँ से उड़ाएंगे हम, क्योंकि दो भाई आए थे हमारे साथ, वो गए घर पे। तो अभी फिलहाल वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइस हमारी जो लोकेशन थी पतंग उड़ा रही है वहाँ पर आ चुके हैं, और पतंगे हमारी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पतंगे उड़ रही है यहाँ से। फिलहाल देखते हैं किसकी कटती है सबसे पहले। मुझे नहीं लगता कि पारस की कटने वाली है, बट लग सकता है कि जिस तरीके से उड़ा रहे हैं कटेगी इसकी, तो पक्का कटेगी। बाकी सतीश की तो कट चुकी है। ये थी हमारी लोकेशन, ऐसी उड़ रही है। और अभी क्या जगह पतंग को देखो, इसका चरखा उड़ने का, ये संदे भी इसके भी नहीं उठ पा रही, इसके तो इसके तंगड़े नहीं कर रहे, गई। तो फाइनली गाइस आज पूरा उड़ा के शाम हो चुकी है, फिलहाल टाइमिंग हो चुका है 4:30 के करीब हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल और उड़ाते हैं थोड़ी देर, फिर उसका फिलहाल चलते घर पे, और आप माहौल दिखाता हूँ आपको कितना खतरनाक हो रहा है शाम का। पहले तंगड़ा दे फिर उड़ाएंगे इसको। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हम संदीप के घर के ऊपर, तो यहाँ से उड़ा रहे पतंग अभी, वहाँ से कैफे से आ चुके हैं। तो पतंग उड़ रही है हमारी पीछे साइड में, देख सकते हो कहाँ गई पहले वो देखो। सो फाइनली गाइस अभी हमारे लिए रेडी हो गया, क्या वो बताएगा क्या रेडी हो गया भाई? चाय और समोसा आ रहे हैं, अभी हम संदीप के घर पे हैं, और ये रहे पड़ी, और बाकी तो वो अभी पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ पर। अभी चाय और समोसा खा के चल रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये चाय घर पे पहुंच चुके हैं, और आते ही मम्मी ने दे दिए हैं भाषण, मतलब डांटने लग गई है क्योंकि सुबह से हम निकले हुए हैं और अभी पहुंचे हैं। टाइमिंग हो चुका है 6:30, तो 6:30 बजे पहुंचे हम, और अभी फिलहाल मम्मी अब बना रही है खाना वगैरह। तो अपन तो खाना वगैरह खा के आ चुके हैं दोस्त के घर पे, आज उनकी मम्मी ने हमें खाना खिला दिया था, बड़ा अच्छा खाना बना था। ठीक है, अभी उड़ाने वाले विश लैम, तो देख सकते हो ये वाला रहा। फाइनली गाइस अभी उड़ाने वाले हैं इसको, तो अभी एक बार माचिस वगैरह ला रहे हैं, तो उसके बाद में उड़ाते हैं। तो गाइस इसको रेडी कर रहे हैं, इसको बड़ा रिक्स रेडी करना। तो गाइस उधर उड़ाया जा रहा है, बट उनसे उड़ रहे हैं, देखो जला और दिए, देखो देखो गाइस। गाइस ये जाने वाला है, आगा 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 पकड़ के रखो ना, ये भी चल गया गाइस, गाइस ये जा रहा है सामने से, गाइस ये जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों पड़ गया, आगा आगे चल गया ना। सो फाइनली गाइस लैंप वगैरह उड़ा के आ चुके हैं, और हमारा जो लैंप था वो उड़ा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि वो फट गया, जैसे खोला ना सो तो वो साइड में से फट गया था, इसलिए तो उड़ा ही नहीं।
बहुत कोशिश की फिर भी नहीं उड़ा। तो इस लैम्बो में ऐसा होता है, अगर हमने एक ही कोशिश किया उड़ाने का फिर मैं तो आ गया। अब वो आकाश वगैरह उड़ा रहे हैं वहाँ पर, मैं तो घर पे आ गया, बाहर उड़ा रहे हैं वो घर से। तो अभी फिलहाल खाना वगैरह तो मैं खा के आ चुका था। तो गाइस मम्मी वगैरह सारे खाना खा रहे हैं अभी। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।